मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर लूट की घटना को दिया अंजाम। हथियार के बल पर आधा दर्जन अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी से 9 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। घटना जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के बड़ा जगन्नाथ गांव की है, जहां हथियारबंद आधा दर्जन की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने भारत फाइनेंस नामक कंपनी को बनाया निशाना। कंपनी में घुसकर हथियार के बल पर काम कर रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। वो लोग इसमें पिस्टल दिखाते हैं, सब ओसी रहो मार देंगे। तो हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ाए सर, लेकिन सब पिस्टल दिखा के मार देंगे। पैसा कहाँ है। जैसे पूरा ड्रोल तोड़ने लगे, इधर ड्रोल मेरा था, इधर सब तोड़ने लगे। वहाँ पे पैसा रखा हुआ था बैग में, बंडल करके बैग में रखा हुआ था, बैग लिए। उसके बाद फिर सारा बोतरे को उतार के देखने लगे, और कहाँ पैसा, और कहाँ, पूछने लगा वो सबन। उसके बाद मोबाइल छीन लिया सर का, और उसके बाद मोबाइल यहाँ मेरा रखा हुआ था, मोबाइल ले लिया। उसके बाद फिर पॉकेट विकेट में बोले मोबाइल है, और उससे मोबाइल मिला नहीं, वही मोबाइल है। कितने पैसे टोटल लूटे हैं जी? कितना पैसा था तकरीबन, कितना होगा टोटल? तकरीबन सर 9 लाख के बीच में होगा सर। सुनो, क्या हुलिया था वो लड़का लोग? सुनो सर, उतना मेथी नहीं करता है। कितने लोग? चार लोग थे सर। सभी के पास भागा कैसे? भागे सर, यहाँ से नीचे उतरे हैं, नीचे से बाइक मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल से। कौन सी कंपनी है ये? भारत फाइनेंशियल ऊर्जा लिमिटेड। फाइनेंस की कंपनी यहाँ पे चल रही है अहियापुर थाना अंतर्गत। सूचना हम लोग को मिली है कि कुछ अपराधी इसमें घुसे थे, और इनका जो डेली का कलेक्शन होता है वो कैश को लेके चले गए। अभी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि कितना कैश इनका गया है, और अपराधी को चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। तो रकम वगैरह के बारे में? नहीं, अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, वो अपना हिसाब मिला रहे हैं, मिलाने के बाद ही क्लियर हो पाएगा।